हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल कराटे टाइम में। आज हम सीखेंगे काटा नंबर 8 यानी कि हैनयानदान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में ऐसी पोजीशन ले लेनी है जैसे कि हमने काटा नंबर 5 में लिया था, लेकिन आपको हैंड्स ओपन करके रखने हैं। जब आपको वही सेम पोजीशन अपोजिट साइड में लेनी है, उनकी राइट साइड में लेनी है। जब आपको आगे बढ़ के हैंड्स को क्रॉस करना है, जब आपको ही लग करके ऐसी पोजीशन ले लेनी है, जब आपको ऐसी पोजीशन ले लेनी है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड अप रहेगा और राइट हैंड डाउन रहेगा। जब आपको लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड और लेग मारना है, जब आपको ऐसी पोजिशन ले लेनी है, जब आपको वही सेम पोजिशन ले लेनी है जो हमने थोड़ी देर पहले ली थी, लेकिन हैंड्स अपोजिट रहेंगे। जहाँ आपको राइट साइड में राइट हैंड डॉग लेग मारना है, जहाँ आपको वैसी पोजीशन ले लेनी है। जहाँ आपको येला हैंड ऊपर करना है, राइट वाला एंड लेफ्ट वाला नीचे करना है, जहाँ आपको टर्न होके अपोजिट कर लेना है। ऐसे लेफ्ट हैंड फेस के पास रहेगा और राइट हैंड आगे रहेगा। जहाँ आपको आगे किक मारनी ऐसे पोजिशन ले लेनी है, यहाँ पे साउंड रहेगा क्या। जब आपको टर्न करके ब्लॉक करना है एंड किक करनी है एंड टू पंचेस करनी है, देन हल्का सा टर्न होके ब्लॉक करना, पंच किक एंड टू पंचेस करना। देन आपको ऐसी पोजीशन ले लेनी है एंड उसको 3 टाइम्स रिपीट करना है। देन आपको ऐसे करना है और वहां पे साउंड आएगा क्या। जब आपको टर्न होके ऐसे पोजीशन ले लेनी है एंड आपको जंप करना आगे और ऐसे पोजीशन दोबारा ले लेनी है। जब आपको पैर पीछे करना एंड आपको पीछे होना। ये था हमारा काटा नंबर 8 हैनयानदान, जो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।